subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई में कोविड-19 के केसेस थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर ये सब में क्या कुछ कमी है, कहां गलतियां हो रही हैं? सभी के अपने व्यूज और सजेशंस हैं। यही कुछ हमने जानने की कोशिश की है शहर के पॉलिटिकल लीडर से, जिन्होंने कई पहलू बताए और सजेशन भी दिए हैं सिचुएशन इम्प्रूव करने की। नवी मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट रामचंद्र घरट का मानना है कि शहर में प्रशासन का काम सही तरह से नहीं हो रहा है। उनकी टीम और आरएसएस तैयार है काफी कुछ करने के लिए, पर उन्हें परमिशन नहीं मिल रहे हैं। कि नवी महानगर पालिकेचा क्षेत्र असेल किंवा महाराष्ट्राचं क्षेत्र असेल, जे पूर्ण क्षेत्रामध्ये ह्या महाआघाडीचं जे सरकार आहे ते पूर्ण पूर्ण फेलवर आहे। आपण सगळ्यांनी पाहिलं असेल की काँग्रेस सांगते की ह्या सरकारच्या कुठल्या निर्णयामध्ये आम्ही सहभागी नाहीये, म्हणजे निर्णय चुकतात हे त्यांनीच मान्य केलेले आहे। आणि अशा पद्धतीने तिघांचं ताळमेळ नसल्यामुळे महाराष्ट्रावर एक मोठं संकट त्या माध्यमातून हे आलेलं आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये हे कोरोनाचे पेशंट वाढत आहेत। नवंबरमध्ये परिस्थिती अशी निर्माण झालेली आहे की पोलीस यंत्रणा असेल, अधिकारी यंत्रणा असेल, पूर्णपणे हतबल झालेले आहेत। कारण नवंबर महानगरपालिकेच्या टीमचे जे निर्णय आहेत त्या निर्णयाच्या मध्ये इतका गोंधळ आहे की त्या गोंधळामुळे डॉक्टर्स असतील, त्यांचे इतर अधिकारी असतील, एकामेकाची समस्यामुळे काही गोष्टी अशा घडतायत की त्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पेशंट वाढत आहेत। आणि या सगळ्या वाढीमध्ये खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र सरकारचं जे फेल्युअर आहे ते फेल्युअर इथे दिसतंय असं मला वाटतं। खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही प्रयत्न करतोय, आरएसएस आणि आमच्या माध्यमातून एक टीम तयार आहे, ती टीम प्रत्येक घराघरात जाणार आहे, त्याच्यासाठी आम्ही परमिशन मागतोय। त्या परमिशनसाठी देखील कमिशनर आम्हाला खूप मोठ्या अटी घालतोय की डॉक्टर्स तुमचे लागतील, तुम्ही डॉक्टर्सची व्यवस्था करावी, तुम्ही सगळ्या केसची सगळ्या व्यवस्था कराव्या, अशा प्रकारची हाती टाकतायत की आम्हाला ते करणं अशक्य आहे। नाहीतर आमची टीम आज पूर्ण सज्ज आहे, आरएसएस आणि आम्ही दोघेही मिळून एक मोठ्या प्रमाणात टीम अशी सज्ज आहे की प्रत्येक वार्डमध्ये जाऊन आणि घराघरात जाऊन प्रत्येकाची आरोग्याची तपासणी करण्याचं ठरवलेलं आहे। पण आम्हाला तशा प्रकारचं परमिशन अजूनपर्यंत देत नाहीत आणि परमिशन देताना अतिशय किचकट अशी हाती घातल्यात, त्याच्यामुळे आम्ही हतबळ झालेलो आहोत। तरी सुद्धा आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांची व्यवस्था करण्यासाठी मास्क असतील, रेस्टिंगची व्यवस्था असेल, कम्युनिटी किचन असेल, अशा मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही व्यवस्था करतोय। मला तरी वाटतंय की नवंबर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये फक्त बीजेपी आणि बीजेपी सत्तेवर उतरलेली आहे, सेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आपल्याला कुठेही रस्त्यावर दिसणार नाही, सगळे टोटल सगळे लोक वांटेड आहेत। काँग्रेस के नवी मुंबई प्रेसिडेंट अनिल कौशिक का मानना है की एपीएमसी की वजह से यहाँ बीमारी ज्यादा फैली। नवी मुंबई में कोरोना बीमारी ने व्यापक रूप लिया है, लेकिन उसके लड़ने के लिए राज्य सरकार जो कुछ मदद हो सकती थी वो करने की पूरी पूरी कोशिश करती है और कंट्रोल में लेके आने के लिए हर तरफ से जो कुछ नवी मुंबई महानगरपालिका को सुविधा चाहिए देने की पूरी कोशिश की है। नवी मुंबई महानगरपालिका के आदरणीय आयुक्त श्री एन एस एम मिश्रा, उन्होंने भी जनता के लिए जो सुविधा हो सकती थी काटेकोर परिवर्तन किया है। और बड़ी विशेषता यह है कि कमिश्नर साहब जब भी हम फोन करते हैं अवेलेबल रहते हैं, फट से फोन उठाते हैं और जो भी समस्या होती है उसका निराकरण करने का पूरी कोशिश करते हैं। आरोग्य डिपार्टमेंट उसके लिए ये बीमारी नहीं थी, इससे कैसे निपटा जाए पूरा कोशिश राज्य सरकार के नेतृत्व में अनासा मिसाल आयुक्त के नेतृत्व में करने का पूरा कोशिश किया है, कंट्रोल लेके आए। लेकिन आरोप करना आसान है, निराकरण बहुत मुश्किल होता है, आरोप लोग करते हैं, पर समझने की कोशिश करो नवी मुंबई में बीमारी ज्यादा आने का कारण था एपीएमसी मार्केट, धान्य कड़धान्य बाजार, फल फ्रूट व सब्जी बाजार, कांदा बटाटा मार्केट और मसाला मार्केट, क्योंकि एमएमआरडीए का जितना भी एरिया है, चाहे पनवेल हो, थाना हो, मुंबई हो, नई मुंबई हो, सभी लोग यहाँ खरीदी करने आते हैं और पूरे भारत से लोग यहाँ बेचने को आते हैं।
ये एशिया की बहुत बड़ी मंडी है और इस मंडी के अंदर बाहर के लोग ज्यादा आते हैं, आने की वजह से यह कोरोना जास्ती फैला। मार्केट बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि एसेंशियल आइटम है, ने फिर भी निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए और कुछ कमी होगी। हम भी इस वीडियो के माध्यम से आयुक्त साहब को कहना चाहते हैं कि जहां जरूरत पड़े आप हमें आवाज दीजिए, हम आपके साथ खड़े। नवी मुंबई में एनसीपी प्रेसिडेंट अशोक गावड़े का मानना है कि शहर में एनएमएमसी और कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं। नवी मुंबई मध्ये आयुक्त, महापालिका आयुक्त, कमिश्नर, प्रशासन अतिशय चांगल्या पद्धतीने कामकाज चालू आहे। कोरोनाला नियंत्रित करण्यासाठी ते अहोरात्र परिश्रम घेत आहेत। महापालिकेचा पोलीस स्टाफ हे सर्वच लोकांचे खूप अभिनंदन करावं अशा पद्धतीचं कामकाज या ठिकाणी चालू आहे। परंतु या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा राज्य सरकारच्या माध्यमातून अतिशय उत्कृष्टपणे काम चालू आहे। आपण जर इतर ठिकाणची तुलना बघितली, इतर राज्याची आणि महाराष्ट्राची तुलना केली, तर महाराष्ट्र हे एकमेव असं राज्य आहे का त्या ठिकाणी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या असूनही कोरोना बाधित असणारे रुग्ण हे कंट्रोलमध्ये आहेत आणि त्यांची व्यवस्थापन राज्य सरकारच्या माध्यमातून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून केली जाते। पण या ठिकाणी विरोधक जे आहेत ते मेलेल्या मड्याच्या टाळूवरचं लोणू खाणारे अशी ही विरोधक या ठिकाणी आहे। वास्तविक पाहता विरोधकांनी या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचा मनामध्ये संशय न घेता, कोणत्या प्रकारचा किंतू न बाळगता, अशा वेळेस एकमेकांनी एकमेकाला सहकार्य करून अशा या कोरोना महारोगावरती नियंत्रण मिळवण्यासाठी सहकार्य करायला पाहिजे। परंतु काही विरोधकांना सत्तेची लालसा सुटलेली आहे आणि सत्ते वाचून ही लोक राहू शकत नाही। ही लोक नाहक प्रशासनावर टीका करतात, अशा लोकांचा मी जाहीर निषेध करतो। शिवसेना के जिला प्रमुख द्वारकानाथ का मानना है शहर में सीनियर सिटीजन पर और ध्यान देने की जरूरत है और बेड्स और एम्बुलेंस की जरूरत है। लॉकडाऊन आता माननीय मुख्यमंत्री दिलेले आहे, परंतु म्हणजे त्यांचं रेशन कार्ड नाही किंवा हे नाही, तर ती यायला अशी वेळ आहे। तर त्याच्यामुळे लोक शहरामध्ये त्यांना धान्याची रेड झोन आहे, तर नागरिकांना फक्त सगळ्या बघून तिसरी गोष्ट अशी ॲम्ब्युलन्स वाढवूया, तर त्यांनी सांगितलं की आम्ही 4 ॲम्ब्युलन्स आम्ही वाढवू आणि आम्ही टेस्टच्या अनुषंगानं 774 दाखवलेल्या होत्या। तर नागरिक क्वारंटाईन नसल्यामुळे इतरांमध्ये फसवण्याची शक्यता असेल। बीजेपी के सीनियर लीडर दशरथ भगत ने कोविड-19 को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मुद्दा माझा आहे की नवी मुंबई महानगरपालिकेने ज्या सुविधा देत आहे त्या सुविधांच्या सोबत महत्वाचं म्हणजे जी काही कोरोना व्हायरसची जी टेस्ट होते ती टेस्ट नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये होत नाही, तर मुंबईला होते। ते 10 दिवस त्याच्या टेस्ट घेण्यासाठी 10 दिवस जातात, 10 दिवसांमध्ये रिपोर्ट येतो, 10 दिवस लागतात पुणे रिपोर्ट यायला। अशा वेळेला 10 दिवसानंतर रिपोर्ट येत असताना 10 दिवस तो संबंधित व्यक्ती आणि त्यांचा परिवार, त्याचा परिवार पुन्हा चिंतेत असतो। अशा वेळेला ज्या वेळेला त्या 10 दिवसानंतर रिपोर्ट आल्यानंतर निगेटिव्ह असेल तर ठीक आहे, का आनंद आहे, पण ज्या वेळेला पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येतो त्यावेळेला तर 10 दिवसामध्ये तो संबंधित व्यक्ती किती ठिकाणी गेला असेल, किती ठिकाणी फिरला असेल, किती ठिकाणी भेटला असेल, कोणाकोणा भेटला असेल, कसं तुम्ही छानबीन करणार, कुठे कुठे करणार, पोलीस यंत्रणांनी काय करणार, किती दिवस करणार, झालं एक उपाय की महानगरपालिकेने स्वतःची यंत्रणा या ठिकाणी स्थापित केली पाहिजे। एका दिवसामध्ये त्याच दिवसात त्याच वेळेला हा रिपोर्ट जर आला ना तर आपल्या लोकांना सर्वांना दिलासा मिळेल।
बीजेपी के नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नितिन आर के खंडारी का कहना है कि पेशेंट्स को बेड्स नहीं मिल रहे हैं और मांग की है कि एपीएमसी बंद करना जरूरी है। मैंने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर मिसाल साहब अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो वो अपनी जान जोखिम में बाहर निकल के हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो हम लोग सुरक्षित घर पे रह रहे हैं। लेकिन फिर भी नवी मुंबई में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या बात हो सकती है? सबसे पहला उनको रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि एपीएमसी बंद की जाए। एपीएमसी में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं आया अभी तक? जो बॉम्बे सामान जाने हैं वो सीधा बॉम्बे जा सकते हैं, जो जितना सामान नवी मुंबई के लिए चाहिए वही सामान यहां पे उतरे। नवी मुंबई के लिए सोचना उनके लिए प्रथम है। दूसरा विषय ये है कि आज जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वो लोग किधर जाए? डीवाई पाटिल में अरेंजमेंट की है लेकिन वहां पे कई लोग एडमिशन नहीं दे रहे हैं पेशेंट्स को। मेरे को किसी का फोन आया था, सर यहाँ पे एडमिट नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैंने उस अधिकारी से वहां पे बात किया और देखा कि वहां पे उसको एडमिशन मिला। कोई किसी से फोन करवा देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो फोन नहीं करवा सकते, वो कहां जाएंगे? उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे पेशेंट भी हैं जिसके ऊपर आज तक सब हॉस्पिटल चल रहे थे, वो कहां जाएंगे? आप काम कर रहे हैं लेकिन उसको कैसे सुधारा जाए, उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए नवी मुंबई वालों के लिए, यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं। साफ है कि हालात जो हैं शहर में उन्हें ठीक करने की और जरूरत है। प्रशासन को और एक्टिवली और रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करना होगा। आवाज टुडे के लिए प्रिया भुजबल और शानवास जेडी की रिपोर्ट, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।